आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। संघ प्रमुख के स्वागत में जुटी भाजपा, आरएसएस के घोष वर्ग को लेकर भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने की बैठक में चर्चा। बीएमएस के छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर, आयुर्वेद में पीजी की सीटें बढ़ाने के लिए जब तक नहीं मिलेंगे 80 लाख रुपए। हाथस में आगरा अलीगढ़ हाईवे पर एम्बुलेंस में लगी आग, आगरा से लौटते समय अचानक लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। सपा संरक्षक के लिए शुरू की दंडवत प्रणाम यात्रा, वाराणसी में सपाइयों ने कहा जब तक नेताजी स्वस्थ नहीं हो जाएंगे रोजाना जाऊंगा मंदिर। भदोही हत्याकांड को लेकर कमिश्नर योगेश की अपील, बोले सायतार्थ खाते में कर दे दान, तो अब तक 9 की हुई है मौत। मिर्जापुर में चलती बस में परचालक से मारपीट, दो युवक गिरफ्तार, सवारी बैठाने को लेकर रोके थे बस। सुल्तानपुर में कनेक्शन काटने पर लाइनमैन को पीटा, मारपीट हुआ, सरकार कार्यों में बाधा का केस दर्ज, 48,000 आरोपी का था बकाया। एक वर्ष के बच्चे को मिला डेंगू का संक्रमण, प्रयागराज में डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा, बच्चे को बढ़ा, अब तक 50 से ज्यादा बच्चे बीमार। सीतापुर में चलती बाइक में लगी आग, 80% झुलसा, युवक झाड़ियों में जाकर बचाई जान। बिजनौर में बेड की थैली पर आया करंट, अग्रसेन जयंती का निकाला जा रहा था जुलूस, दो युवक हुए घायल। पीलीभीत में खेत में बाघ दिखे, डरे किसान, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ वायरल। बिजनौर में भरत मिलाप शोभा यात्रा में हुई मारपीट, चार के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज, गाली गलौज का मारने का आरोप। गाजियाबाद में नाली के ऊपर रखा जाल चुराया, रात 2 बजे आया और स्कूटी की सीट पर जाल रखकर ले गया अज्ञात शख्स। नोएडा में 2 एनकाउंटर, 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 गौतस्कर और लुटेरा गैंग लीडर को मारी गोली, बदमाश के पैर में लगी गोली। लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, गुंबद टूटकर नीचे गिरा, ग्रामीणों को सता रहा है अनहोनी का डर। सहारनपुर पुलिस ने शव को बुलडोजर से निकाला, पुलिस बोली नाले में पानी अधिक होने की वजह से बुलडोजर मांगना पड़ा। वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर घायल, पुलिस को हत्या की वारदात में थी तलाश, देशी पिस्टल और बुलेरो बरामद। फतेहपुर में बारिश के चलते दीवार गिरने से 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, मरने वालों में चाचा और भतीजा। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, पूरा मुफ्ती और सरामन रेंज में हुई घटना, 6 लोगों की बुरी तरह झुलसे। सिपाही ने वर्दी पर बनाई रील, फिल्म एक था टाइगर की म्यूजिक पर दिया एक्सप्रेशन,
रायबरेली एसपी ने किया सस्पेंड। फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, 1 महिला झुलसी, 3 दिन से हो रहा है लगातार बारिश। शाहजहांपुर सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, बाइक से घर लौट रहे थे 3 युवक, बोलेरो की टक्कर से हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, 1 घायल, 1 हफ्ते पहले महिला से लूटी थी चेन। सीतापुर सड़क हादसे में युवक की मौत, बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, घर से गया था बाजार। बरेली में 12 वफात और वाल्मीकि जयंती को लेकर अलर्ट, जुलूस को लेकर बरेली में फोर्स तैनात। कानपुर में हाईवे के किनारे पलटी ट्रैवल बस, बस चालक की लापरवाही के चलते हुआ हादसा, बस चालक मौके से हुआ फरार। लखीमपुर खीरी में झोपड़ी पर पेड़ गिरने से मां की मौत, बेटा घायल, बारिश के चलते विशालकाय पेड़ झोपड़ी पर गिरने से हुआ हादसा। कानपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, मौत बनकर दौड़ रहे ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, घटना से 1 की मौत। मेरठ में बारिश से शहर में जलभराव, वेस्ट यूपी में लगातार बारिश से ठंड बढ़ी, 4 दिन तक भारी वर्षा के अलर्ट। लखनऊ के आशियाना के बंगला बाजार में घर में लगी आग, आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। आगरा में हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के बाद एक्शन में प्रशासन और विकास प्राधिकरण, 1 और होटल और फैक्ट्री को किया सील। अलीगढ़ में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी गर्भवती पत्नी की हत्या की, आरोपी पति गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, 5 अक्टूबर को था छात्रा के साथ दुष्कर्म। आगरा में जूते के शोरूम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में फिल्मी स्टाइल में सराफा व्यापारी से तपंचे की नोक पर की लूट, बाइक सवार 6 बदमाशों ने लूटे 15 लाख के आभूषण। औरैया में आबकारी विभाग की छापेमारी, छापेमारी के दौरान कच्ची शराब नष्ट करने के साथ साथ 1 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बलरामपुर में बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में प्रशासन से नाराज भाकियू, भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सीओ को सौंपा ज्ञापन। दिवाली से पहले महंगी हुई सीएनजी, दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में कीमत 3 रुपए बढ़ी, आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई नई दरें। बुलंदशहर में मीडियाकर्मी से भिड़े खाद्य विभाग के अधिकारी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की वजह भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं। गाजियाबाद में बदमाशों ने बंधक बनाकर लूट की घटना को दिया अंजाम, सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही है जांच।
हमीरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में मामूली कहासुनी पर आपस में भिड़े दो पक्ष, दोनों पक्षों में से चले ला जमकर लात घुसे। हरदोई में प्यार में मिला धोखा तो युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास, सुसाइड नोट में लिखा नवीन मेरी मौत की वजह। कासगंज में निकाली गई भगवान राम की तिलक यात्रा, तिलक की शोभा यात्रा, पूरे क्षेत्र में जुर्रा भगवान राम की जयकारे। हरदोई में लापरवाही के चलते बंद रहा प्राथमिक विद्यालय, जिम्मेदारियों ने जिलाधिकारी के आदेश को बनाया मजाक। लखनऊ में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक जारी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी संगठन के पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। हरदोई में अज्ञात वाहन से कुचलकर युवक की मौत, पिता को छोड़कर वापस आ रहा था घर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजधानी लखनऊ में युवक ने की आत्महत्या करने की कोशिश, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में ट्रामा में कराया गया भर्ती। नोएडा की महिला डॉक्टर ने काट डाले अपने बाल, कहा मैं बहुत बेबस महसूस किया, हमें ना बताएं हम कैसे रहें। सिद्धार्थनगर में सर्विलांस और पुलिस को मिली बड़ी सफलता, संयुक्त टीम ने 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। औरैया में महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने निकाली नई तरकीब, पुलिस टेली फिल्म के माध्यम से करेगी प्रचार। चंदौली में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात शव, सूचना पर पहुंची जीआरपी, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की जा रही कार्रवाई, पुलिस ने संयुक्त टीम ने पछया बस्ती में की छापेमारी, छापेमारी से मचा हड़कंप। गोंडा में उफान पर घाघरा, सरयू नदी, कुआव नदी, अब बिहूरी नदी भी हुई उफानी, सैकड़ों परिवार पलायन करने को मजबूर। ग्रेटर नोएडा के जेएम फ्लोरेंस सोसाइटी में हाई वोल्टेज ड्रामा, कुत्ता घुमाते समय पटाना बांधने पर हुआ हंगामा। हमीरपुर में पानी भरने गया बुजुर्ग नदी के लेव में फंसा, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग व्यक्ति को लेव से निकाला बाहर। कानपुर में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, फोन पर अश्लील बातें करना पड़ा महंगा, कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर भाजपा और सपा आमने सामने, गोला विधानसभा से भाजपा ने अमन गिरी नवीन तिवारी को बनाया प्रत्याशी। लखनऊ के हजरतगंज सर्किल को मिला नया एसपी, एसीपी सीपी कृष्णानगर अरविंद कुमार वर्मा को बनाया गया नया एसीपी। लखीमपुर खीरी में बैंक के सामने जल भराव, जल भराव से ग्राहक व कर्मचारियों को होती है आने जाने में दिक्कत। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं का उमड़ा भीड़, नए प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खबरी के स्वागत में पहुंचे कार्यकर्ता। नोएडा में अबेक्स टेक्नोलॉजी में लगी भीषण आग, कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
लखनऊ में काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर को होगा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सभा के बसपा मुखिया मायावती करेंगी संबोधित। श्रावस्ती में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी, 90 से अधिक गांव बाढ़ से हुआ जलमग्न। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सीट से के लिए सपा ने किया प्रत्याशी घोषित, सपा के विनय तिवारी को बनाया प्रत्याशी। उन्नाव में चाकू से गोदकर महिला की हत्या, हत्या से परिजनों में मचा कोहराम, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ के आशियाना में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 4 लोग हुए घायल, सभी को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। स्वतंत्र देव ने विंध्याचल में की जगत कल्याण की कामना, कैबिनेट मंत्री ने कहा पर्यटक को मिला बढ़ावा। मथुरा में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा, 2 लोगों की मौत हुई। फरुखाबाद में फूड पॉइजनिंग से दर्जन भर से ज्यादा बीमार, कथा के बाद कराया गया था भंडारा। सीएम योगी ने मिशन निरामया की शुरुआत की, नर्सिंग पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलेगा, ट्रेनिंग में होगा सुधार। बांदा में स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन समाप्त, 11 दिन से अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे धरना, 30 अक्टूबर तक का समय। ललितपुर में 3 मासूमों की मौत से गांव में मातम, नम आंखों से किया गया बच्चों का अंतिम संस्कार, राज्य मंत्री ने की मुलाकात। झांसी में युवक की निर्मम हत्या, 3 युवकों पर बरसाए हथौड़ा, 2 की हालत नाजुक, जमीनी विवाद का है मामला। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।